अनोखी वायरल और हैरान कर देने वाली खबरों के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कहां शख्स ने फंसा ली अपने मुंह में खुरपी और हो गया खेल। दिखाएंगे कि कहां मां के अंतिम संस्कार के लिए भिड़े हिंदू मुस्लिम बेटे और दिखाएंगे कि कहां शादी में मेकअप हुआ खराब तो दुल्हन पहुंच गई थाने, दर्ज करा दिया केस। अजब गजब खबरों की इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के गोपालगंज से आई हैरान कर देने वाली वीडियो के साथ, जहां एक लड़के ने अपने मुंह में खुरपी फंसा ली। विश्वास नहीं होता तो खुद देख लीजिए। जाने अनजाने में ऐसी गलती कर ली कि जान के लाले ही पड़ गए। जब मुंह में फंसी खुरपी नहीं निकली तो युवक तड़पने लगा। परिजनों ने युवक के मुंह में से खुरपी निकालने की कोशिश की लेकिन खुरपी नहीं निकली। इसके बाद हालत बिगड़ी तो इलाज के लिए घर वाले उसे सदर अस्पताल ले गए। यहां डॉक्टर ने ऑपरेशन कर युवक के मुंह से खुरपी निकाल ली। घटना अब चर्चा का विषय बन गई है। जब हमारी टीम शख्स से मिलने के लिए पहुंची, तो वो कैमरा देखकर भागने लगा, बेड के नीचे छुप गया। पीड़ित युवक का नाम मिथिलेश कुमार है। बताया जा रहा है कि मिथिलेश मानसिक रूप से बीमार है। खेलते खेलते मिथिलेश ने एक लोहे की खुरपी को अपने मुंह में रखा लेकिन खुरपी किसी तरह उसके मुंह में फंस गई। इलाज के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली। ये घटना हैरान करने वाली थी और हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है। गजब में अगली खबर भी बिहार के लखीसराय से है, जहां मां के अंतिम संस्कार के लिए हिंदू मुस्लिम बेटे आपस में भिड़ गए। जिस महिला की मौत हुई उसके दो बेटे और एक बेटी है। पहला बेटा मुस्लिम जबकि एक बेटा और एक बेटी हिंदू है। यही वजह रही कि जब रायका खातून से रेखा देवी बनी महिला की मौत हुई तो पूरा विवाद उसके दाह संस्कार से जुड़ गया। एक बेटा मुस्लिम रीति रिवाज से मां का दाह संस्कार करना चाहता था तो दूसरा बेटा हिंदू रीति रिवाज से। दरअसल जानकी डी गांव निवासी राजेंद्र झा ने 45 साल पहले मुस्लिम महिला रायका खातून से प्रेम विवाह किया था। जिस वक्त ये विवाह हुआ था उस वक्त उसके साथ एक बेटा मोहम्मद मौफिल भी था। बाद में महिला ने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। जब महिला की मौत हुई तो उसके दोनों बेटे उसके दाह संस्कार के लिए भिड़ गए। इधर मौके पर पहुंचे एएसपी इमरान मसूद ने दोनों बेटों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और कुछ इस तरह मामले का हल निकाला कि महिला के शव को उसके बेटे बबलू झा को सौंप दिया गया। एसपी सैयद इमरान मसूद और चानन थाना अध्यक्ष रूबी कांत कश्यप ने मामले की तहकीकात कर बबलू झा को मां के अंतिम संस्कार की इजाजत दे दी। हालांकि पुलिस ने सूझबूझ से बड़े बेटे को भी मुस्लिम धर्म से आगे के संस्कार करने की इजाजत दे दी। ये अपने आप में शायद पहला मामला था जिसमें मां के धर्म को लेकर उसके बच्चे झगड़ रहे थे। फिलहाल ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। गजब में अगली खबर मध्य प्रदेश के जबलपुर से है, जिसे जो भी सुन रहा है हैरान है। दरअसल यहां दुल्हन का गड़बड़ मेकअप करने के आरोप में ब्यूटिशियन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि ब्यूटिशियन ने पैसे तो पूरे लिए लेकिन दुल्हन का मेकअप नौसिखिया मेकअप आर्टिस्ट से करा दिया, जो दूल्हे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। आरोप है कि जब दुल्हन के घर वाले ने ब्यूटिशियन से सवाल किया तो वो बदतमीजी पर उतर आई। इस मामले की शिकायत लेकर दुल्हन के घर वाले थाने पहुंच गए। घर वालों की शिकायत के बाद पुलिस ने ब्यूटिशियन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी ब्यूटिशियन से पूछताछ करने के लिए ये मामला फिलहाल सुर्खियों में चल रहा है। न्यूज़ तक ब्यूरो।